छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबर है, जहां शिक्षा विभाग में विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि शिक्षा समिति और अभिभावक ने प्रभारी प्राचार्य द्वारा अभद्र स्पर्श की शिकायत की है, साथ ही शिक्षा अधिकारी के कार्रवाई की मांग की है। स्कूली छात्राओं के साथ अभद्र स्पर्श के संबंध में शिकायत पत्र में इसका उल्लेख किया गया है। जानकारी के अनुसार चारामा ब्लॉक के एक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य छात्राओं को परेशान करते रहते हैं। जिला कलेक्टर ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि जांच दल गठित कर मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, जांच में शिकायत सही पाए जाने पर उक्त दोषी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। खासतौर पे छोटी बेटिया का घटना में तो गलत शिकायत जानबूझ के किया गया था, किंतु बाकी कुछ कुछ जगह पे गुड टच बैड टच को लेके कुछ शिकायतें प्राप्त जब भी होती है, तत्काल जो भी शिकायतकर्ता होते हैं उनकी आइडेंटिटी को गुप्त रखते हुए हम जो भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है उस पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। जो भी अभी की भी शिकायत है उसमें भी की गई है। हम लगातार खास तौर पे सभी स्कूलों में गुड टच बैड टच को लेके प्रशिक्षण भी प्रदाय कर रहे हैं, ताकि हमारे जो बच्चे उनको इस तरह की जानकारी रहे, और भविष्य में भी अगर इस तरह की कोई घटना की कोई शिकायत प्राप्त होती तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।